एग्जाम्पल है ए पार्टिकल मूव विद ए कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन न्यू अपॉइंटेंस स्क्ट इज विद वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस आर कोई पार्टिकल है, है और इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, पर. शो करना है कि अगर इसका पाथ रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो ये होगा हमें तो गिवन है कि वी वो है जिसके साथ में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है और वो पार्टिकल सेंटर ऑफ फोर्स से आ डिस्टेंस पे तो हाइपरबोलिक ऑर्बिट के केस के अंदर जब पार्टिकल को वी वेलोसिटी के साथ में मूव करवाया जाता है मीन पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा हूँ और ए है वो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है

बाई आर प्लस वन बाय ए इंटू में सम कॉन्स्टेंट म्यू ले लेते हैं इस बार क्योंकि हमें क्वेश्चन में म्यू जो कॉन्स्टेंट यूज कर रखा है तो हम यहाँ पे भी म्यू ही यूज कर लेते हैं यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर टू म्यू अपॉन में आर प्लस म्यू बाई ए तो इस म्यू बाई ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम स्क्वायर माइनस का टू म्यू अपॉन में आर इसे इक्वेशन वन नाम दे देते हैं ए है वो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है हाइपर वोला कुछ इस टाइप का होगा ये एक्स एक्सिस किसमेट्रिकल हाइपरबोला वाई एक्सिस किसमेट्रिकल हाइपरबोला ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये होता है ट्रांसवर्स एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा और ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और इसका हाफ होता है लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस जो एक ही इक्वल होती है और हमें ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है हाइपरबोला के केस के अंदर लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ एक्सिस एक्सिस और कॉन्जुगेट दोनों इक्वल होते हैं मीन और B दोनों के दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे हाइप्रोबोला केस में दोनों इक्वल होते हैं टू से टू कैंसिल होकर ए और बी मीन लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये आगे हम यूज करेंगे इसलिए पहले बता दिया ये तो इसे इक्वेशन वन तक कर लिया हमने प्रोसीड अब हमें गिवन है कि इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई सेंटर ऑफ फोर्स है ओ और किसी टाइम टी पर पार्टिकल है वो पी पोजिशन पे था वो पार्टिकल क्या कर रहा है ऐसे मूव कर रहा है वी वेस्टी के साथ में और इस पार्टिकल की इस सेंटर ऑफ फोर्स से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रो सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस सेंटर ऑफ फोर्स से इस टेंजेंट के ऊपर हम जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसने क्या रखा है इस पार्टिकल को हमने किस के साथ में प्रोजेक्ट किया कर लेते हैं कि इस पार्टिकल को हम अल्फा एंगल के साथ में प्रोजेक्ट रहे हैं ये अल्फा ये, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी ये पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ओ एम हमें फाइंड आउट करना है ओपी हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटीनियस हो जाएगी इसके अंदर साइन अल्फा ये कैसे होगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटीनियस होती है और जिसके साथ में अल्फा एंगल बन रहा हो वो बेस होगा दूसरा परपेंडिकुलर ओ एम पी के इक्वल ओ आर के इक्वल तो पी की वैल्यू आ जाएगी आर साइन अल्फा तो पी की वैल्यू में मिल गई आर साइन अल्फा इक्वेशन टू और एल होती है सेमी लेटस रेक्टम और हमने जो पीछे केस किया था उस केस के अंदर एच स्क्र इक्वल होता था सेमी लेटेस्ट रेक्टम इन में सम कॉन्स्टेंट म्यू तो यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी न्यू एल का रूट एल है सेमी लेटेस्ट रेक्टम यानी कि सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ जो रेक्टेंगुलर हाइप्रोबोला बी स्क्र बाई ए अभी बताया था कि रेक्टेंगुलर हाइप्रोबोला के अंदर ए और बी दोनों इक्वल होते हैं बी की वैल्यू ए पुट करेंगे अपॉन में A. A रह जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी न्यू ए एक रिलेशन और है पार्टिकल की वेलोसिटी और एच के बीच में एच इज इक्वल टू होता है वी इनटू में पी तो यहाँ एच की वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू ए ये रिलेशन भी हमने थ्योरम्स में डराइव किया था तो म्यू ए का रूट है वो इक्वल हो जाएगा वी इनटू में पी यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कैपिटल वी यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल पी आएगा और पी की वैल्यू हमने निकाली है आर साइन अल्फा तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी रूट म्यू ए अपोन में कैपिटल वी आर रूट ए अलग रूट म्यू अलग अपोन में वी आर रूट म्यू से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी से ही डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा रूट ए अपोन में वी आर रूट म्यू और ये ऊपर आ जाएगा रूट म्यू इंटू में रूट म्यू 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 अपोन में वी आर रूट ए अपोन में रूट म्यू की वैल्यू हमें चाहिए बट पीछे हमने वैल्यू निकाली थी चुकेशन वन के अंदर म्यू अपोन में ए तो यहाँ से इसका रैसी प्रोपर ले लेते हैं ए अपोन में म्यू वो आ जाएगी वन अपोन में वी स्क्वेयर माइनस का टू म्यू ओपोन में आर इसका रूट कर देंगे तो इसका भी रूट हो जाएगा टोटल का तो रूट ए अपोन में म्यू की वैल्यू हम कुछ कर देते हैं वन अपोन में रूट ऑफ वी स्क्वेयर माइनस टू म्यू ओपोन में आर तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू अपोन में वी आर वी स्क्वेयर माइनस टू म्यू ओपोन में आर की होल पावर वन बाई टू ये हमें प्रूव करना था कि अगर जो पाथ है वो एक सेंट्रल सॉरी पाथ है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो एंगल प्रोजेक्शन है वो ये होगा इसी के साथ में एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया